मैं चैनल आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी पिज़्ज़ा बॉम। थोड़ा नाम सुनने में तो हटके लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है ये। इसे हम चटनी के साथ या फिर पिज़्ज़ा टमाटो केचप के साथ सब कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा हार्ड है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है और चीज़ी है खाने में। सो हम इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे पानी, मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया हुआ है, एक चम्मच शक्कर, इसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई ईस्ट, जितनी हमने शक्कर ली है उतनी हम ड्राई ईस्ट लेंगे। अगर एक चम्मच हमने शक्कर ली है एक चम्मच ही हम ड्राई ईस्ट लेंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। हम लेंगे 2 कटोरी मैदा, ऐड करेंगे 1/2 स्पून सॉल्ट, वो गूंद देंगे ईस्ट वाटर से। हमें मैदे को 5 मिनट तक गूंदना है जिससे कि हमारा आटा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे ऑयल या बटर। अभी इसे हम कवर करके 1 घंटे के रख देंगे। 1 घंटे बाद हम देखेंगे अब कि हमारा डो पहले से डबल हो चुका है। गूंद लेंगे फिर से 1 मिनट के लिए। छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लेंगे। हम कुछ गोल शेप में कर लेंगे। अप्लाई करेंगे हम सॉस, चाहिए टमाटो, कैप्सिकम, मोजरेला चीज़। मैंने मोजरेला चीज़ का यूज़ किया, आप चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, और इसको बॉल बना लेंगे। अब हमारी बॉल रेडी है। अब मैं ऐसे ही हम और बॉल बना लेंगे। उसको हम ग्रीस कर लेंगे बटर से, ऑयल से। उसको रख देंगे इसमें। प्लेट में हम ग्रीस करने के बाद ही इसे रखना है। इसके ऊपर मिल्क की ब्रशिंग कर देंगे ताकि सॉफ्ट रहे। बेक करना है उसको हम 10 मिनट के लिए प्रीट कर देंगे। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, या तो कढ़ाई में भी या पतीले में भी, पर जब भी आप बनाए तो पहले इसको प्रीहीट कर ले। तो बर्तन अच्छी तरह कवर होना चाहिए। प्रीहीट हो गया है, अब हम प्लेट को रख दें बनने के लिए। अब हम इसे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे।
फ्लेम पे बेक करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे मीडियम फ्लेम बेक करेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा बॉम है वो जल जाएगा। हमारे बेक हो गए हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। हम रेडी हो चुके हैं, अब हम इसकी अप्लाई करेंगे। मैंने बटर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो का पेस्ट बनाया है, उसके हम अप्लाई करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है, ऊपर से थोड़ा सा हार्ड है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। खाने में ये डिलीशियस, अंदर से कितना चीज़ी है। कीजिए चटनी के साथ या रेड केचप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।